हाँ जी हाँ जी सर, एटीएम नंबर कार्ड के ऊपर में देखिए सर एक 16 अंक का वेरिफिकेशन नंबर लिखा हुआ, 4-4 अंक की 4 अंक का 16 अंक का नंबर, वो नंबर बोलिए। हाँ 1256 कितना 1256 क्या भैया छुट्टिया समय रखा था आप मुझे छुट्टिया समय रखा है क्या हम सोचे की आप छुट्टिया होंगे क्या हाँ एक चमाट मारेंगे ना आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं पुलिस को दे रहा हूँ हेलो हेलो सर ये आप लो आपको कुछ ये जो 500 और 1000 रुपीज के नोट कन्वर्ट करने हैं उसमें आप हेल्प कर सकते हैं ना हाँ? कैसे करना है बताएंगे थोड़ा हमारे को हेल्प चाहिए हाँ जी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैम अभी आपके पास ना आधार कार्ड और एटीएम कार्ड है आपके पास में आधार नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस है आधार तो मेरे पास है ही नहीं है तो आधार नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बोलिए मैम उसको अपडेट करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बोलिए ड्राइविंग लाइसेंस का उसके लिए थोड़ा आप मुझे पहले प्रोसेस समझा देंगे मेरे को फिर वहाँ से अपना सामान वगैरह निकाल के लाना पड़ेगा ना मैं तो अभी आपसे पूछा है कि प्रोसेस क्या है जी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका जो कन्वर्ट जो होंगे ना मैडम आपका पैसा बैंक में कन्वर्ट नहीं होंगे आपको कस्टमर केयर द्वारा ही कन्वर्ट किया जाएगा आपको इसलिए कॉल किया गया था क्योंकि वहाँ से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि 50 दिन टाइम बचे मैम तो कितने कन्वर्ट करेंगे सिर्फ निकालने और डालने में लग जाएंगे टाइम उतना तो बैंक मैनेजर हाँ अगर आप ये ऑनलाइन सोल्यूशन अगर आपके पास कोई ऑनलाइन सोल्यूशन है तो आप बता दीजिए क्या करना है तो वो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो कस्टमर केयर के पास आईडी होता है वो आप लोग नहीं कर सकते हैं हम नहीं कर सकते अच्छा, तो आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगे तो मैं वो सब रेडी रख के फिर आपको कॉल बैक कर सकती हूँ आप मुझे ये बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए हाँ जी मैम आधार कार्ड नहीं तो अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर चाहिए एटीएम कार्ड के ऊपर में 16 अंक का वेरिफिकेशन नंबर होता है वो नंबर चाहिए और उसके नीचे एक एक्सपायर डेट होता है वो नंबर चाहिए कार्ड के उसमें 3 अंक का नंबर होता है वो नंबर चाहिए एक मिनट आपको एक मैं लिस्ट लिख रही हूँ मैं एक मिनट साथ साथ लिख रही हूँ आपको मेरा एक आईडी प्रूफ चाहिए चाहे वो आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो ठीक है उसका मैं आपको नंबर दे दूंगी फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे फिर जो कार्ड के ऊपर जो पहले डिजिट्स होते हैं सारे 16 डिजिट्स वो मैं आपको दूंगी हाँ और फिर एक्सपायरी डेट दे दूंगी है ना और क्या बोलो पीछे साइड में 3 अंक का नंबर होगा वो नंबर बताना होगा और उसके बाद आपका मोबाइल पर हम यहाँ से वेरीफाई का मैसेज भेजेंगे मैसेज में 6 अंक का नंबर जाएगा वो नंबर बताना आपको ठीक है मैं सारे डिटेल लेकर पर आप मुझे बताइए जो आप मुझे प्रोसेस कह रहे हैं उससे तो आपके पास मेरी सारे बैंक का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना जी आप कितने देर में कॉल करेंगे हमको उसको बताइए आप हम आपको मेरे को 15-20 मिनट चाहिए ठीक है ठीक है ओके मैम ओके थैंक यू ओके थैंक यू हेलो हाँ जी डिटेल लिया आपने हाँ डिटेल एक सेकेंड सर मेरे को एक सेकेंड हेलो हाँ जी मैम हाँ मेरे बैंक का कार्ड का नंबर है हाँ बोलिए 5788 5788 ये आपका मास्टर कार्ड है मेरा तो वीजा है 57 से स्टार्ट है हाँ 5788 हाँ 1400 1400 आपके अंदर मास्टर क्यों आ रहा है जी मैम 5 से स्टार्ट कार्ड मास्टर होता है मैम नहीं मेरा कार्ड तो वीजा है 5788 1400 1400 2771 2771 00 00 31 ये बार नंबर कंफर्म कर लीजिए 5788 1400 2771 0031 करेक्ट ठीक है एक्सपायर डेट बोलिए एक्सपायरी डेट है 9/9/21 कार्ड के पीछे साइड 3 अंक का नंबर बोलिए कार्ड के पीछे का 3 नंबर है एक सेकेंड पीछे का या ये जो ऊपर आगे लिखे हैं वो वाले 3 कार्ड के पीछे साइड में कार्ड के पीछे साइड बैक साइड इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं पीछे पूरा लाइन है पूरा स्ट्रिप है आपको क्या चाहिए उसमें से जी 7 अंक का नंबर है कार्ड के पीछे साइड में जो पीछे पीछे टर्न किया ना तो उसके ऊपर ऐसे लाइन से नंबर है ना कौन सा आपको लास्ट सफेद पट्टी हाँ जो पट्टी में 3 अंक हाँ जो 3 लेटर्स हैं वो चाहिए हाँ हाँ वो है 5 8 1 जी मैम आप लाइन पर बने रहिएगा ठीक है मैं ऐसे चेक कर ले रहा हूँ जी हेलो मैम यस सर अपने कार्ड नंबर बता रहे हैं मैम वो नंबर आप गलत बता रहे हैं अगर आपका वो वीजा कार्ड होता तो आपका 4 से स्टार्ट होता 16 अंक का नंबर सर मेरे सामने कार्ड पड़ा है तो और उसे हाँ आप ठीक जगह से बोल रहे हैं ना आपको ऐसे
गजब बात कर रही है मैम, ठीक जगह से नहीं बोलेंगे तो कैसे हम आपको बता रहे हैं? आप बैंक से ही बोल रहे हैं ना, आप कहीं और से तो नहीं बोल रहे? अभी आपको मैसेज भी मिलेगा, मगर ये नहीं हो पा रहा ना, इसे कन्वर्टिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत कन्वर्ट कर चुके हैं आज से, हम लगभग 30 अकाउंट के पैसे कन्वर्ट कर चुके हैं। कितने अकाउंट के? लगभग 30 अकाउंट के पैसे कन्वर्ट कर चुके हैं। अच्छा, 10 बजे से सुबह से आज से 30 अकाउंट पर आगे देखिए ना, आपको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में गारंटर के लिए कोई एटीएम कार्ड है, कोई दूसरा एटीएम कार्ड? आप मुझे पूछना मतलब किसी और का भी चलेगा? हाँ, कोई भी बैंक का चलेगा, किसी और का भी चलेगा, गारंटर के लिए भी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पूछ के बताती हूँ, फिर आप मुझे और 10 मिनट दीजिए। ठीक है ठीक है, 10 मिनट में आप तुरंत आपको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी जी। हाँ जी मैडम, मिला गारंटर मुझे? वो तो नहीं मिल रहा कोई और कार्ड, जिसने मेरे को कार्ड देना वो पूछ रहा आप कौन से बैंक से हो तभी दे रहा हूँ। आप कौन से बैंक से कॉल कर रहे हैं? जी मैडम, मैं बात कर रहा हूँ एटीएम कस्टमर केयर से, दीपक शर्मा मैडम, विजया बैंक से। एटीएम तो हर एक का अलग होता है ना, एटीएम कस्टमर केयर तो ठीक है। क्या नाम बोला? दीपक शर्मा। तो नहीं तो हर बैंक का तो अलग होगा ना फिर? गारंटर के लिए मांगा जा रहा है, हर बैंक का अलग होगा, हमको मालूम है गारंटर के लिए। वो कह रहे हैं रखने के लिए नहीं मांग रहे, ठीक है? क्या रखने के लिए नहीं मांग रहे? सिस्टम कर दिया गया मैम, अभी आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी बैंक का चलेगा, ठीक है? क्योंकि कन्वर्टेशन में 50 दिन बचे हैं टाइम, ठीक है? कितने कितने लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा बताइए आप ही। दीपक जी, आप मुझे अपने कार्ड का नंबर दीजिए ना, मैं भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। हाँ मैं भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे कार्ड का नंबर चाहिए आपको? हाँ सेम, जो जो डिटेल आपने मेरे पे लिया है वो सब डिटेल मेरे को दीजिए, मैं भी कन्वर्ट करके देखूंगी। हाँ जी जी लीजिए, बताइए ना। पहले नहीं बोलिए, आप सारे आप अपना नंबर दो, मैं आपका भी कन्वर्ट करूंगी। लीजिए लीजिए, आपका फोन से शुरू होता है ना, 4 से? क्या? हाँ बोलो बोलो, रेडी हूँ मैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आप। बताइए कौन से बैंक का कार्ड है आपका? मेरा स्टेट बैंक का। ठीक है, क्या नंबर है पहले 16 डिजिट बताइए। हाँ 5103 72 00। आप मेरे कार्ड का नंबर क्यों बता रहे हैं? जी आपके कार्ड का नंबर नहीं बता रहे, अपने वाला बता रहे हैं। नोट कीजिए, बताइए आगे। उसके बाद 23 18 28 90। अच्छा ठीक है, अब आपका एक्सपायरी डेट क्या है? 4/21। अच्छा, और आपका CVV क्या है? 494। ठीक है ठीक है, अभी हम आपका कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है ठीक है, कर लाइन पर बने। हाँ ठीक है, एक और मेरा कार्ड है। हाँ और कार्ड है, बताओ बताओ और कौन सा नंबर है आपके पास? जो तीस आपने सुबह कन्वर्ट किया सारे नंबर दे दो। तुम हमको बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? जब तुम बोलती थी ना कि 5 स्टार है मेरा कार्ड और वीजा कार्ड है, मुझे समझ के कि तुम हमको बेवकूफ बना रही हो, उतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो बेवकूफी बना रहे हैं सबको, नहीं? क्या आप भी तो बेवकूफ बना रहे हैं, तो मिलके बनाते हैं ना, एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है? बताओ कर लेते हैं, मैंने सोचा आप अकेले बना रहे होगे पैसे, मैं भी साथ में बना लो। थोड़ा और कमाना तो मेरी तरह तुम कार्ड का नंबर निकालो उसका वाला, तो बात कम आ जाएगी। तो आपको वैसे सही में ऐसे कितने लोगों ने दे दिया आपके, निकल गए पैसे? फिर कितने लोगों ने काम कर रहे हैं उतना दिन से दे रहा है सब लोग? हाँ मतलब आज में आपने कितना पैसा कमाया? आज कमाया नहीं, 1 टोकन निकाले तो 2400, फिर उनको वाला डाल दिए, फिर वापस कर दिए उनका। क्यों? तो फिर आपके पैसे कैसे बनेंगे? 2400 तो आपने निकाले, फिर वापस कर देंगे तो कैसे बनेगा? वापस कर दिए इसलिए क्योंकि वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरा प्रॉब्लम है, मजबूरी है, इसलिए वापस कर दिए उनका। तुम हमको ना मत सिखाओ कैसे करेंगे, तुम हमको मत सिखाओ, ठीक है? अगर आप अच्छे होते तो आपने सुबह से पैसे बनाए होते ना, आप बताओ आपने कितने पैसे बनाए हैं? अभी तक लगभग 5 लाख 5-6 महीने में। अब 3 दिन से हुआ ना, तो पहले ATM कार्ड बंद था, उसको चालू करना था।